ये कांस्य पदक भारत को पहली बार मिला है। पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रैक इवेंट जो है, चाहे एबल बॉडीज हो या जो हम इन जैसे एथलीट हों, जो पैरा एथलीट्स हों, इनको पहली बार किसी ट्रैक इवेंट में इंडिया को कोई मेडल मिला है। ये अपने आप में इन भारतीय खेलों के 125 साल का अगर इतिहास भी देखें, 1900 से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था ओलंपिक्स में, और फिर 1960 से जो पैरा एथलीट्स हैं, दो बार हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाद में मुरलीकांत पेटकर ने किया था, लेकिन ये जो एथलीट, ये जो कांसा आप पकड़िए, मेरा तो हक नहीं बनता इसका, तो ये जो है ये आज तक भारत में कभी नहीं आया था। और प्रीतिपाल हैं, मुजफ्फरनगर की हैं, और एक और खास बात है, ये जेन नेक्स्ट है, ये इंस्टा से आई है, इंस्टाग्राम पे रील देख देख कर ट्रैक पर पहुंची है। तो इंस्टा से ट्रैक पर पहुंचकर, ट्रैक पर पहुंचना और मेडल जीतना ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के लेवल पे, ये अपने आप में शानदार कहानी है। बच्चे आप तो एकदम जनरेशन नेक्स्ट हो, और मैं जानता हूँ आपकी जो गुरु हैं, एक तरह से आइडल हैं, सिमरन, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ट्रैक में कुछ दिनों पहले मेडल जीत के तहलका मचाया, आपने उनसे बाजी मार ली, आप तो पहले ही जीत गए। सर पहले नहीं कह सकते हैं, सर मेरा इवेंट पहले से, तो इसलिए पहला मेरा मेडल आ गया है। हाँ। अगर उनका होता तो उनका आता, ऑफ कोर्स। तो सिमरन तो खुश हुई, आप तो बता रहे थे कि काफी रोने लगी सर, वो इवेंट जैसे मेरा फिनिश हुआ। हाँ। मैं कह रही दीदी हेलो तो मिला लो, वो रोए जा रही है। हाँ, खुशी में, खुशी में, खुशी के आंसू थे सर उनके, और वो बहुत खुश है। और अभी ये होता है ना कि जब एक मेडल आ जाता है तो नर्वसनेस और हो जाती है कि अभी मेरा इवेंट भी आ गया है। अभी उनका इवेंट है 4 को, उनका भी गोल्ड या सिल्वर तो पक्का ही है सर उनका मेडल। और आपका भी अभी एक इवेंट, अभी मेरा एक इवेंट कल है इवनिंग में 7:30 बजे, और उसमें मैं भी अपना इस मेडल का कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो इंस्टा की फ्लाइंग क्वीन है, इंडिया के जो एक्चुअली फ्लाइंग क्वीन है, पीटी उषा तक 4th नंबर पर रही थी और उनसे आगे निकली हैं पैरा बॉडीज में। तो ये सर आप तो कोच हैं, हेड कोच हैं सत्यनारायण सर, आप खुद भी भागते थे 1500 में, कभी जिंदगी में सपना देखा था कि कोई ट्रैक पे इंडियन कहीं भी जीत सकता है? जीतने का हमारा पास इंडिया में दम है हमारा। आप जब खेलते थे कभी देखा था? नहीं नहीं, देख देखो पीटी उषा 1984 में लॉस एंजलिस में 4th आई, एंड अगेन मिल्खा सिंह भी 4th आया, श्रीराम सिंह 5th आया, 5th आया। एक दिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी था अल्बर्टो रोजेंथनर का साथ थे, बेचारे का जूते भी नहीं था 800 मीटर से। अभी क्या है, ये मोटिवेशन होता है, दूसरा लोग जीत, हम भी जीत सकता बोल के एक सभी खिलाड़ी, ये इको सिस्टम तो बना है हमारे यहाँ, जहाँ पे हम जीतने की सोच रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि जितने खिलाड़ी आए फाइनल में जरूर पहुंचे। मेरा खिलाड़ी लोग ये भी अभी भी बता रहा है, इवन सिमरन है, इवन भाग्यश्री है, इवन हमारा प्रीतिपाल है, अगेन दीप्ति है, हम लोग लड़की लोग में 5 मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेडल वो बहुत ज्यादा चांसेस है। ये सिमरन और प्रीति का कोच है उसे गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह अगेन हमारा लड़की सिमरन का हस्बैंड भी है, वो एक डिफेंस में काम करता है, उसका मोटिवेशन बहुत तकड़ा है। ऐसा ही मैं बोलता सबको बोलता है, सभी कोच को ये रिक्वेस्ट करता है, आप लोग पूरा फोकस में आ जाओ, ये एक साल में एक दिन में मेडल होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल, ये लोगों को, ये लोग नहीं समझते कि 4 साल में भी नहीं आता है, अगर स्पोर्ट्स की तैयारी 12 साल पर थे, अभी जैसे 22 साल के, आपने कब शुरू किया था? सर मैंने 2018 में किया था सर। हाँ। और लेकिन आप बहुत जल्दी, आप इंस्टा गर्ल हो गए हैं, इंस्टा की फ्लाइंग क्वीन हो गई, इंस्टा का प्रचार कर रहे हैं आप? यस नहीं सर, मैंने इंस्टा पे से ही देखी थी रील्स, तो इसी मेरे को पता ही नहीं कि पैरा भी गेम्स होते हैं। और यूसेन बोल्ट का तो नाम सुना है? जी सर, यूसेन बोल्ट वेरी फास्ट मैन। और मिलना चाहते हैं? यस सर, और मैं मतलब फैन भी हूँ, लेकिन मैं फैन तो सिमरन देखी हूँ। अच्छा, आप इंस्टा पे देखती हैं टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड कुछ देखती हैं? कपिल शर्मा शो देखती हूँ, वो वेरी फनी कॉमेडी, जैसे हम प्रैक्टिस करके भी आते हैं ना तो थक जाते हैं, लेकिन कॉमेडी शो देखते हैं तो उससे स्ट्रेस रिलीफ होता है। चलिए कपिल शर्मा जी, आप सुन लीजिए, आपकी फैन है और आप स्पोर्ट्स में आप रोल अदा कर रहे हैं, ये कह रही है प्रीति, कह रही है जी, है ना जी। सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप हमारे सबके मतलब एक दुखी चेहरे पे भी आप हंसी ला देते हो, वो आप में बहुत तगड़ा टैलेंट है। थैंक यू सर, हमें इतना
हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए। हम इतने थके भी होते हैं तभी भी आपका शो देखते हैं हम। चले, आपसे दूसरा मेडल भी एक्सपेक्ट करेंगे और आप जो है इसी तरह से जीतते रहिए और इंडिया का नाम रोशन कीजिए, तिरंगा को ऊपर ले जाइए। कुछ आप कहना चाहते हैं? ये कपिल शर्मा जी हमारे को 2016 में हमारा पूरा खिलाड़ी लोग को मिला के एक पूरा एक शो किया था 2016 सितंबर में। कपिल जी आप सुन लीजिए, तो ये जो लड़कियां हैं चैंपियन लड़कियां हैं और बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में इंस्पिरेशन है। मुजफ्फरनगर से आती हैं, छोटे शहर से मेरठ के सिमरन है, उन सब से आपस में भी मिलके इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इन जैसे मीडियम को यूज़ कर रही हैं, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ जो है वो ये लड़कियां दिखा रही हैं और चैंपियन बन रही हैं और भारतीय जो नाम है, भारत का नाम पूरे एथलेटिक सर्किट में खेलों के मैदान में काफ़ी ऊँचा कर रही हैं। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV।